हूँ बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गजा पर जारियत इत्तेहादियों में इसराइल की हिमायत कम होने लगी। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि कैनेडा अब भी दो रियासती हल की हिमायत करता है, इसराइली हिकमत अमली इसकी हिमायत को खतरे में डाल सकती है। टोरंटो में नफरत अंगेज जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा। टोरंटो में इस साल 338 नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हुए। मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। सिटी ऑफ टोरंटो का सर्दी से बचाव के लिए एक नया मरकज खोलने का ऐलान। शहरी इंतजामिया का कहना है कि मरकज मार्च 2024 तक 24 घंटे खुला रहेगा। बेघर अफराद को शदीद सर्दी से बचाने में मदद मिलेगी। शुमाली कोरिया ने हमले के जवाब में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। किम जोंग उन का कहना है कि दुश्मन ने इश्तियाल दिलाया तो जौहरी हमला कर देंगे। हमारी फोर्सेस हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke Wazir Azam Justin Trudeau ka kehna hai ki unhein khadsha hai ki Hamas ke khilaf jang mein Israel ki hikmat amli उसकी तवील मुद्दती सलामती और सिफारती हिमायत को खतरे में डाल सकती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उन्हें खदशा है कि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल की हिकमत अमली उसकी तवील मुद्दती सलामती और सिफारती हिमायत को खतरे में डाल सकती है। एक इंटरव्यू में वजीर आजम ने तजवीज़ पेश की कि इसराइल के कुछ दूसरे इत्तेहादी भी इस तशवीश में शरीक हैं। इसराइल के मजबूत तरीन दोस्तों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह खास तौर पर अमेरिका की तरह की आवाज़ें तशवीशनाक होती जा रही हैं कि इसराइल की तरफ से किए जाने वाले कलील मुद्दती इकदामात दर हकीकत तवील मुद्दती हिफाजत और हत्ता के मुस्तकबिल में यहूदी रियासत के लिए हिमायत को भी खतरे में डाल रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि अक्वामे मुत्तहदा की वोटिंग के बावजूद कनाडा की इसराइल की हिमायत में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमने अपने मौकफ को बयान करने के तरीके को तब्दील कर दिया है, लेकिन पोजीशन खुद नहीं बदली है। हमने हमेशा कहा है कि इसराइल को बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक अपने दिफा का हक हासिल है। हमने हमेशा शहरियों के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अब भी दो रियासती हल की हिमायत करता है। हमास जिसे कनाडा समेत मुतादित ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया है का इस तरह के मुज़ाकरात में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। यह हमारा मौक़िफ़ है कि पायदार जंगबंदी की तरफ काम करने के लिए हमास के हथियार डालने, तमाम यरगमालियों को रिहा करने, इंसानी ढाल के इस्तेमाल को ख़त्म करने और गजा के मुस्तकबिल की हुक्मरानी में हमास का कोई किरदार नहीं समझना ज़रूरी है। टोरंटो में नफरत अंगेज जराइम में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। टोरंटो पुलिस ने हैरान कुन आदाद शुमार का एक और सेट जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि मुस्लिम और यहूदी कम्यूनिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में नफरत अंगेज जराइम में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। टोरंटो पुलिस ने हैरान कुन आदाद शुमार का एक और सेट जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा के शहर टोरंटो में इस साल 338 नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हुए। टोरंटो पुलिस के मुताबिक टोरंटो में इस साल के नफरत अंगेज जराइम गुज़िश्ता साल के नस्बत 41% ज़्यादा हैं। टोरंटो पुलिस के सरबराह मायरॉन डेमकियो ने कहा कि हम चाहते हैं मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटीज़ महफूज रहें। पुलिस के मुताबिक इसराइल हमास जंग के बाद टोरंटो में कम्युनिटीज़ के दरमियान नफरत में इजाफा हुआ। इसराइल हमास जंग के बाद टोरंटो में
58 नफरत अंगेज वाकयात रिपोर्ट हुए। टोरंटो पुलिस ने मजीद बताया कि टोरंटो में नफरत अंगेज वाकयात पर 48 गिरफ्तारियां हुई और 96 इल्जाम आयद किए गए। कनाडा के शहर टोरंटो में नफरत अंगेज वॉल चौकिंग के 159 वाकयात नोट हुए। इसराइल और यहूदी उमूर के मरकज के साथ जमाइम कर्स रॉबर्ट्स ने कहा कि ये एक किस्म की नफरत है जो हमें कनाडा में कभी नहीं देखनी चाहिए। क्रिजनर रॉबर्ट्स का कहना है कि उन्हें अवामी तहफ़ के खदशात से ज़्यादा रोज़ाना 500 से ज़ायद ईमेल्स मौसूस हो रही हैं कि क्या मेरे बच्चे के लिए स्कूल में होना महफूज है, क्या हमारे पड़ोस में घूमना महफूज है, क्या हमारी खिड़की में मेन्योरा रखना महफूज है। वो कम्युनिटी की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात के बारे में कहती हैं। 7 अक्टूबर से टोरंटो पुलिस ने तकरीबन 100 नफरत अंगेज जराइम की तहकीकात की हैं। 56 ने यहूदी बिरादरी को निशाना बनाया और उनमें से 20 वाकयात को मुस्लिम मुखालिफ करार दिया गया। पुलिस का कहना है कि अक्टूबर से अब तक उन्होंने 43 गिरफ्तारियां की और 96 इल्जाम आयद किए जिनमें से 17% हमलों से मुतालिक थे। सिटी ऑफ टोरंटो के हुक्काम इस मौसम सरमा में बेघर होने का सामना करने वाले लोगों के लिए मजीद अंदरूनी जगह फराहम कर रहे हैं जिसमें एक नया 24 घंटे की मोहलत का मरकज भी शामिल है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सिटी ऑफ टोरंटो के हुकाम इस मौसम सरमा में बेघर होने का सामना करने वाले लोगों के लिए मजीद अंदरूनी जगह फराहम कर रहे हैं जिसमें एक नया 24 घंटे की मोहलत का मरकज भी शामिल है। अपने विंटर सर्विसेज प्लान की अपडेट में शहर ने तस्दीक की कि नुमाइशी जगह की बुनियाद पर बीटर लिविंग सेंटर मार्च 2024 तक 24 घंटे की मोहलत की जगह के तौर पर काम करेगा। हुकाम का कहना है कि ये सहूलत रेफरल्स के जरिए एक दिन में 40 से ज्यादा अफराद को कबूल कर रही है। सिर्फ 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एक बार मुकम्मल तौर पर काम करने के बाद 240 लोगों के लिए जगह होगी। शहरी इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि बहुत सी जगहों का हिसाब पहले से ही लिया जाएगा क्योंकि ये मौजूदा बैरूनी मकामात से लोगों को रेफर करेगा, लेकिन ये जनवरी और फरवरी के लिए अहम सलाहियत का इजाफा करेगा जो सर्दियों के मौसम के सर्द तरीन महीने समझे जाते हैं। इस मौसम सरमा में शेल्टर सिस्टम में खोली गई 180 इजाफी जगहों में पिछले 2 सालों में 44% का इजाफा है। शहर के हुक्काम का कहना है कि 3 वार्मिंग सेंटर्स डाउनटाउन, नॉर्थ यार्क और स्कारब्रो में खोले जाएंगे और एक 4th साल के आखिर तक खोलने की तवक्को है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब दर्जा हरारत -5°C या इससे ज़्यादा सर्द हो जाए। जब दर्जा हरारत -15°C तक पहुँच जाएगा तो इजाफी 30 इजाफी जगहें खुलेंगी। इसके साथ साथ सर्दियों के मौसम के दौरानिए के लिए सिटी फंड से चलने वाले 10 ड्रॉप उन मकामात पर 140 इजाफी औकात कार भी शामिल किए गए हैं। शुमाली कोरिया के सरबराह ने किसी भी मुल्क की जानिब से हमले की सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के सरबराह ने किसी भी मुल्क की जानिब से हमले की सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने बयान में कहा कि अगर दुश्मनों ने हमें जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी तो हम खुद एटमी हमला कर देंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने एक बयान में कहा कि किसी ने चढ़ाई करने की कोशिश की तो जौहरी हमला करने से दरहेज नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात शुमाली कोरिया के दिफा को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं। किम जोंग उनका मजीद कहना था कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात फोर्सेस के अज़म और दुश्मनों को खबरदार करने का पैगाम है। दुश्मन अगर हमें न्यूक्लियर हथियारों से उकसाने की कोशिश करेगा तो हम खुद जौहरी हमला कर देंगे। हमारी फोर्सेस हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। कबल अजी अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बात की शदीद मजम्मत की थी। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान में कहना था कि गैर कानूनी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में पेशरफ्त के खिलाफ हैं। शुमाली कोरिया बगैर पेशगी शराइत के बातचीत करे। शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से मुतालिक अपनी पॉलिसी के बायस आलमी पाबंदियों का सामना है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।